सब्सक्राइब कीजिए टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्ट्यूबर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाज़िब अशरफ। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। सेटिंग में जाएंगे हम और स्टोरेज में जाएंगे। यहाँ पे इस प्रोसेस का एक ड्रॉबैक ये है कि इस प्रोसेस को आप तभी यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, कि जब आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड वर्ज़न उसका मार्शमेलो होना चाहिए, मिनिमम मार्शमेलो होना चाहिए, उससे ऊपर कितना भी हो सकता है तभी इस फीचर को आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेज आपको दिख रही है, एसडी कार्ड 15.51 GB का है और इंटरनल स्टोरेज अभी हमारा यहाँ पे है 16.93 GB आउट ऑफ 64 GB। पोर्टेबल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, इस तीन डॉट पे क्लिक करिए और स्टोरेज सेटिंग में जाइए। स्टोरेज सेटिंग में आपको फॉर्मेट एज इंटरनल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब हम इसको करेंगे इरेज एंड फॉर्मेट। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एसडी कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरनल स्टोरेज में, जिससे हमारी इंटरनल स्टोरेज बढ़ जाए। यहाँ पे कन्वर्टिंग हो रही है, फॉर्मेट कर रहे हैं आपके एसडी कार्ड को। तो ख्याल आपको ये रखना है, अगर आपके एसडी कार्ड में कोई इंपॉर्टेंट आपका डेटा है तो पहले आप उसको कॉपी कर लीजिए, वरना वो फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है 20% यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है। यहाँ पे आपका लिख के आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन कि मूव डेटा टू ए न्यू स्टोरेज, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका एसडी कार्ड स्लो है, तो आप मूव लेटर पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका एसडी कार्ड वर्किंग पे आ चुका है, एसडी कार्ड रेडी हो चुका है इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करने के लिए। हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए कि जो आपकी पोर्टेबल स्टोरेज वो शो कर रहा था, अब वो अलग से कोई कॉलम नहीं पोर्टेबल स्टोरेज का, अब उसने इंटरनल स्टोरेज को उसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपका जो 16 GB का एसडी कार्ड था वो आपका इंटरनल स्टोरेज में यूज़ होगा। तो इस तरीके से आप एसडी कार्ड की स्टोरेज को इंटरनल स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोर्टेबल स्टोरेज को इंटरनल स्टोरेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तभी किया जा सकता है जब आपका एंड्रॉयड वर्जन मार्शमेलो मिनिमम होना चाहिए और उससे ऊपर कितना भी हो सकता है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कितने जीबी तक आप अपने एसडी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो जितना आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता है एक्सपेंडेबल मेमोरी को, उतना आप अपने एसडी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए 128 GB एक्सपेंडेबल हो सकती है, तो आप 128 GB का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, 256 GB का यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 TB तक या 2 TB तक भी सपोर्ट करता है आपका स्मार्टफोन, तो उतने स्टोरेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन के प्रोसेस के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि कैसे एसडी कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज के लिए। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, ताकि आप हमारी क्वालिटी वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।